नरक चतुर्दशी की कथा सुनने से सभी दुखों से मिलेगी हमेशा हमेशा के लिए आजादी। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको नरक चतुर्दशी की दिव्य ज्ञानमयी और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो कि दीपावली से ठीक एक दिन पहले आती है और धनतेरस के एक दिन बाद आती है, उसे नरक चतुर्दशी या रूप चौदस के रूप में मनाया जाता है। इस बार नरक चतुर्दशी या रूप चौदस का जो महापर्व है वो 26 अक्टूबर 2019 शनिवार के दिन है। इस दिन सभी तेल आदि का उपटन बना करके अपने रूप को निहारते हैं और अपने सुंदर स्वरूप को जो है अच्छा बनाने के लिए अनेकों प्रकार के उपाय करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सौंदर्य को यदि आपको अच्छा बनाना है, आपको सुंदर बनना है, तो आपको रूप चौदस के दिन अनेकों प्रकार के उपटन से स्नान करके विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए। यानी ये कहा जाए कि माता महालक्ष्मी के आगमन की तैयारी में आपको अच्छी प्रकार से तैयार होना है, सुंदर बनना है, स्वरूपवान बनना है, गुणवान बनना है, ज्ञानवान बनना है। ये सारी तैयारी आपको दीपावली के एक दिन पहले कर लेनी है, तो रूप चौदस उसी का दिन माना जाता है और इसे नरक चौदस भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी के रूप में इसे मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी की जो कथा है वह इस प्रकार है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपनी आठों पटरानियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर के उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोकी विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा कि भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण करके उन्हें अपने यहाँ बंदी ग्रह में डाल करके रखा है और उन्हें अपनी रखेल बना करके रखा हुआ है। कृपया आप उन्हें बचाइए और प्रभु हमें भी बचा करके हमारे ऊपर कृपा करिए। इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार करके द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर के गरुड़ पर सवार हो गए और प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुँच करके भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण का संहार किया। मूर्दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुनकर के भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर के युद्ध के लिए निकल गया। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से भौमासुर नामक दैत्य का वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मार करके भगवान कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान दे करके उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को भगवान कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहृत नारियां थी या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उस कारागृह में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित थी, लांछित थी और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बना करके रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दे दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे।
उन सभी को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ द्वारकापुरी ले आए। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका नगरी में रहती थी। महल में नहीं, वे सभी वहां भजन कीर्तन ईश्वर भक्ति आदि करके सुख पूर्वक वहां अपना जीवन यापन करने लगी। द्वारका एक भव्य नगर था जहां सभी समाज और सभी प्रकार के और सभी वर्ग के लोग निवास करते थे। श्रीमद् भागवत में बताया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। भगवान विष्णु ने वारह अवतार धारण करके भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। उसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। पिता एक देवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी भूमासुर क्रूर दैत्य बन गया था। वह पशुओं से ज्यादा क्रूर और अधर्मी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर जाने को कहा गया, यानी उसे नरकासुर के नाम से भी जाना जाने लगा। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का दैत्य राज था जिसने इंद्र को हरा करके इंद्र को उसकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। वह वरुण का छत्र अदिति कुंडल और देवताओं की मणि छीन करके त्रिलोक की विजय हो गया था। वह पृथ्वी की हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण करके उनको बंदी बना करके उनका शोषण किया करता था। नरकासुर अपने मित्र मुर और मुर दैत्य के 6 पुत्र ताम्र अंतरिक्ष श्रवण विभावसु नभश्वान और अरुण के साथ रहता था। भगवान कृष्ण ने सभी का वध करने के बाद नरकासुर का वध किया और उसके एक पुत्र भगदत्त को राज तिलक भी कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरकासुर का वध किया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। नरक चौदश के दिन प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व उपटन लगा करके नीम चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाल करके शुद्ध और पवित्र जल से स्नान किया जाता है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों पर दरवाजों पर 14 दिए जला करके दक्षिण दिशा में उनका मुंह करके रखते हैं और उनका पूजन यापन करते हैं और यमराज से प्रार्थना करते हैं। जो कोई भी नरकासुर के निमित्त इस दिन दीपक प्रज्वलित करता है उसे नरक में नहीं जाना पड़ता है। एक और पौराणिक कथा इस नरक चतुर्दशी के विषय में आती है और इस कथा में यह बताया है कि एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम रंतिदेव था। उन्होंने कभी किसी भी तरह का पाप नहीं किया था। उनकी आत्मा और उनका दिल एकदम साफ और पवित्र था। जब उनकी मृत्यु का या अंतिम समय आया तो उन्हें पता चला कि उन्हें नरक में स्थान दिया गया है। राजा ने इसका कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपके द्वारा एक बार केवल एक पाप हुआ है और वह पाप यह हुआ था कि आपके राज्य में एक ब्राह्मण भूखा सो गया था। इस पर राजा ने यमराज से कुछ समय मांगा। यमराज ने राजा को थोड़ा समय दिया और अपने गुरु से सलाह लेकर के राजा ने 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाया। इस प्रक्रिया से सभी ब्राह्मण खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी के प्रकोप से राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बताया जाता है कि भोजन कराने का यह दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन था। तभी से आज तक नरक निवारण चतुर्दशी के रूप में इसे मनाया जाता है और सौंदर्य की प्राप्ति का दिन भी इसे माना जाता है। माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति को सौंदर्य प्रदान करते हैं। रूप चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर के तिल के तेल की मालिश और पानी में चिरचिरी के पत्ते डाल करके उससे नहाना चाहिए। इसे बहुत लाभ मिलता है। यदि चिरचिरी के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप जल में हल्दी डालकर इससे स्नान भी कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करना उत्तम माना जाता है। रूप चौदस या नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी माना जाता है और छोटी दिवाली के दिन रात में घर के बुजुर्ग पूरे घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं। इसे पूरे घर में घुमाते हैं। इसके बाद एक दीपक को घर से कहीं दूर छोड़ आते हैं।
ऐसा करने से घर की सारी बुराइयां या नेगेटिविटी घर से बाहर चली जाती है और घर में सकारात्मक शक्ति का निवास होता है और उसके बाद माता महालक्ष्मी का आगमन उस घर में होने लगता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, आपसे हमारा अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।